लोकसभा में आज बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच भाषण देने के दौरान बंगाल से बीजेपी सांसद अभिजीत गोपालाध्याय ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हंगामा मच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया, जिसके बाद लोकसभा में बुधवार से बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। सदन में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। लोकसभा में भाषण देने के दौरान बंगाल से बीजेपी सांसद और कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुछ ऐसा बोल दिया जो अब चर्चा का केंद्र बन गया है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने सदन में हंगामा कर रहे थे टीएमसी के सांसदों के विरोध में स्टूपिड शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने हंगामा कर रहे टीएमसी सांसदों को कहा, डोंट बी स्टूपिड। इसको लेकर टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया और संसद की कार्यवाही 5 से 7 मिनट तक डिस्टर्ब करी। इस दौरान स्पीकर के चेयर पर असम से बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया मौजूद थे। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर ओम बिरला खुद सदन में पहुंचे और मामले को संभाला। बिरला ने आश्वासन दिया कि यदि कोई आपत्तिजनक बयान होगा तो उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। Please don't talk like a stupid sir. अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्पीकर की गद्दी पर बैठे ओम बिरला ने कहा कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाएगा। हालांकि विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। गंगोपाध्याय ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि किसी भी बजट को विपक्ष अच्छा नहीं मानेगा और ना ही उसकी तारीफ करेगा। इस बजट में जो स्टैंडर्ड डिक्टेशन किया गया है वो देश के हित में लाया गया है। बजट पर हंगामा कर रहे विपक्ष के किसी भी नेता ने इकोनॉमिक्स पर चर्चा नहीं की, सभी ने सिर्फ आंकड़ों की ही बात की। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।